नमस्कार, मैं अभी कुजीबना घाट में हूँ। ये कुजीबना घाट में जो आप लोग देख रहे हैं, कुजीबना घाट में ये जो आप लोग देख रहे हैं, यही वो घाट है जहाँ से कदवा प्रखंड और कटिहार के तमाम लोग जब कभी बारसोई के तरफ जाते हैं, यही वो मात्र सहारा है। इस नाव पे चढ़ के जोखिम भरी दिन जोखिम से जोखिम उठा करके इस पार से उस पार हम लोग करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर हैं ये इस स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन हजारहा पॉलिटिकल पार्टियों को कहा गया कि यहाँ एक पुल की जरूरत है। कभी इस मुद्दे को, कभी इस अहमियत को, कभी इस जरूरत को कभी मानी ही नहीं गई। ऐसा ही है जैसा कि इन नेताओं को कभी सुनाई ही नहीं देता है। इसी इलाके में दिग्गज सांसद रहे हैं और दिग्गज नेता रहे हैं। देख लीजिए, इसी इलाके में बीजेपी से नेता निखिल चौधरी लगातार तीन बार इस विधान लोकसभा क्षेत्र से जीते। उसके बाद इसी एरिया से तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने यहाँ के लोगों की सूद बूद कभी भी नहीं ली, कभी भी इसको वो अहमियत दिया ही नहीं कि यहाँ लोगों की जरूरत है। अब घटना सुन लीजिए, आज क्या हुआ और अभी एक घंटे पहले यहाँ ये हुआ कि यहाँ एक बंदा जो सालमारी से घर को आ रहा था तैयबपुर, और वो बंदा कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए कल दिल्ली जाना था, लेकिन वो बंदा नाव पे चढ़ा इस पार आने के लिए और रस्सी खींच रहा था, तेज बहाव की वजह से वो गिर गया, डूब गया। अब उसका लाश भी मिलना मुश्किल है। ये जो भीड़ लगी हुई है, ये उस गम गुस्सा का इजहार करने के लिए यहाँ लोग आए हैं, तो इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या ये स्थिति क्यों बनी हुई है आखिर। क्या हो गया इसलिए? हाँ, बंदा डूब के मर गया, इसलिए इस कारण सारे इतना लोग भीड़ हुआ है। हाँ, और इन लोगों को फैसिलिटी देना चाहिए सभी को के नहीं, हम लोग एक ब्रिज बने यहाँ अच्छा सा। हाँ, और ब्रिज से आना जाना करे। हाँ, और नाव जो है ये सिस्टम हट जाए। हुँ? नाव बराबर कभी गाड़ी से गिर जाती है, कभी गाड़ी नाव से गिर जाती है, कभी नाव डूब जाती है। हुँ? तो बराबर हादसा होता रहता है। तो ऐसा किया जाए कि एक बार मुस्तकिल यानी कि सही ढंग से जो एक पुल बन जाए जिससे आदमी आना जाना रेगुलर करता रहे। लेकिन मांग, ये पुल की मांग आज से नहीं, बहुत दिनों से है। हर बार जब भी इलेक्शन होता है हर बार नेता आता है, पहले यही मुद्दा करता है कि हम पुल बनाएंगे। हाँ, लेकिन कोई भोसरी वाला पुल नहीं बनाता है आज, जिसकी वजह से एक बच्चा मर गया है। हाँ, हर बार ये होता है, जो भी एमपी आता है इलेक्शन करता है, हमको जितना हम पुल बनाएंगे, लेकिन कोई मार के लाल पुल नहीं बनाता। इलेक्शन के बाद सब निकल जाता है, मादर चोद सब घर में घुस जाता है। ये गुस्सा है, उन नेताओं के मुंह पे थप्पड़ है, लेकिन नेता अपने वोट बैंक और दूसरे चीजों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आवाम को धोखा ही दे सकते हैं। ये आवाम जो आप देख रहे हैं, ये सभी लोग हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मेरा कहना ये है कि इस कुजीबना और बालूगंज में जो घाट पड़ता हमारा कदवा प्रखंड में, इस घाट के लिए इससे पहले हम वीडियो बना चुके थे, शायद मेरा फेसबुक पेज में कोई देखा होगा। यहाँ पुल का मांग हमने बहुत बार किया। आज हमारी तकरीबन 30 साल उम्र है, हम 20 साल से इस घाट को देखते हैं। ऐसा घटना बहुत बार हो चुका है, आज जो घटना हुआ है बहुत दर्दनाक घटना है। ये जो लड़का पार हो रहा था नाव से, वो गिर गया, पर दूसरा व्यक्ति नाव पे खड़ा था, पर वो डर से या दहशत से उसको बचाने नहीं गया। बिलखता हुआ, रोता हुआ वो पानी में ही समा गया लड़का। जो लड़का आज डेड हुआ है इस घाट में, उसका बाप कुछ दिन पहले ही डेड कर चुका है। लड़का समझ लो एक अनाथ है। और सबसे पहली बात मेरा ये है कि हमारा घाट में जो घटवाल है, सबसे बड़ा कमजोरी या इसका बुजदिली हम इसको बोलेंगे, घटवाल को, कि घटवाल इतना लापरवाही नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग खन देते हैं, जब सैलाब आ जाता है, जब मशीन वाला नाव लगता है, तो हम लोग एक बाइक पार करने का 10 रुपया देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उस घटवाल को मेरे पास लाओ, हम उसको बोलेंगे। फिर भी इतना लापरवाही क्यों? मानता हूँ कि कुजीबना का, बालूगंज का लोग
आर पार हो जाएगा, क्योंकि ये लोग नदी के किनारे है, इन लोगों को तैरना आता है। अगर कोई बेरो से आ जाए, चौकी से आ जाए, पल्लिया से आ जाए, असियानी से आ जाए, अगर उसको लेके जाना पड़े, उसको मालूम नहीं तो क्या होगा, वो तो आत्महत्या उसका होना ही होना है। ऐसा ही हुआ है, तो ये लापरवाही है। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ, हमारा जितना भी हमारा कटिहार जिले का नेता है, विधायक है, सबसे मैं हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग हमारा क्षेत्र का विकास करें, और हमको पूरे पब्लिक को यहाँ पुल का मांग है। क्या भाई मांग है कि नहीं? नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद। हमारी मांग क्या है? पुल। हमारी मांग क्या है? कुजीवना घाट में पुल बनना चाहिए। ये हम सब जितना भी पब्लिक दिखाई दे रहा, जाजा, तेतलिया, भोनगर, सारे पंचायत का मिला हुआ है यहाँ, और एक पंचायत का ये निकास नहीं है, कम से 20-25 पंचायत का लोग यहाँ से आना जाना करता है। अगर हम इधर से घूम के जाएंगे तो 50 किलोमीटर हमको रेलिंग करना पड़ेगा, तो वो 50 किलोमीटर जो हम रेलिंग करेंगे, आज पेट्रोल का भाव मेरा इतना बढ़ गया है, तो क्या हम जब घाट देते हैं आप पुल बनवाओ, या कहने बनवाते हो? इस पुल के लिए हर नेता, छोटा से लेके बड़ा तक, बड़ा का तो बात नहीं करता हूँ, छोटा भी अपना फेसबुक पेज में डाल रखा है कि यहाँ पुल बनना चाहिए। मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। ये और बाकी आप लोगों ने जो कुछ देखा, यहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं, और वो ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ के लोग कब तक इस तरह मरते रहेंगे, कब तक इस परेशानी से जूझते रहेंगे।